हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लाई हूँ। इस मिठाई को लौंग लतिका के नाम से जाना जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये मिठाई इस तरह से जूसी और ऊपर से इसकी परत बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप इस मिठाई को एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से ये कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं इसे काट रही हूँ तो, और अंदर से देखिए, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर से भी ये बहुत ही जूसी बनी है। ये देखिए, तो इस तरह से आप इस मिठाई को एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपको ये मिठाई बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए लेंगे एक कटोरी मैदा। इस मिठाई को मैदे से बनाएंगे। ये मैदे को मैंने छान के ले लिया है। इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक। कोई भी मीठी चीज बनाएंगे तो सिर्फ एक पिंच नमक डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अब इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी। आप इसमें रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से मिठाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मोयन हमें इसमें इतना डालना है जिससे अच्छे से मुट्ठी बनने लगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम मुट्ठी बना रहे हैं तो ये मुट्ठी बन रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। और अब इस मिठाई के लिए हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है। इसको हम इस पतीले में डाल देंगे और जितनी हमने शक्कर ली है उसका आधा हम पानी डालेंगे। एक कप हमने शक्कर ली थी तो आधा कप पानी डालेंगे। एक चौथाई चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। और अब इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। उबाल के इसकी फटाफट से हम गाढ़ी चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और चीनी इसमें पूरी तरीके से घुल गई है और चाशनी अच्छे से पक गई है। ये देखिए, गाढ़ी भी हो गई है क्योंकि हमने इसमें चीनी से आधा पानी डाला था, इसलिए इसे गाढ़ी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। फटाफट से ये गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चाशनी को साइड में रखते हैं। अब ले लिया मैंने एक बाउल और उसमें डाल दी हूँ मैं ये 100 ग्राम के करीब मावा। ये मावा मैंने भून लिया है। मावे को भून के ही लेंगे क्योंकि इस मिठाई के लिए मावे को भून के ठंडा करके हमें यूज करना है, इसलिए मैंने मावे को पहले से ही भून के रख दिया था। और ये ले रही हूँ मैं आधी कटोरी के करीब काजू और बादाम की कतरन। बारीक बारीक इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस के भी ले सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने इसमें चीनी नहीं मिलाई है क्योंकि मिठाई को हम चाशनी में डुबाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें चीनी मिक्स नहीं की है। अगर आपको इसमें चीनी डालना हो तो 1 से 2 चम्मच पीसी हुई चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा मिठाई के अंदर भरने वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं ये मैदे वाला डो जो हमने तैयार करके रखा था। ये देखिए, 5 से 10 मिनट जब तक हमने चाशनी बनाई है ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम 2 लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से। और अब इसको थोड़ा सा हाथों से सॉफ्ट कर लेते हैं, मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। 1-1 इंच के इसमें काट लेंगे जिससे हम मिठाई बनाएंगे उसका शेप एक जैसा आएगा, इसलिए एक साइज में हम काट लेते हैं। ये देखिए, हमारी इतनी सारी लोइयां बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम रख देते हैं और एक लोई को ले लेते हैं। इसे थोड़ा सा मैदा लगाते हुए बेल लेंगे। आपको जितनी बड़ी इस मिठाई का साइज रखना हो आप उस हिसाब से लोइयां छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बना लें। ये देखिए, एक साइज में फिर इस तरह से पूरियां बनती हैं। तो ये मैंने एक बड़ी सी पूरी बेल ली है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। इसके
ऊपरी किनारों पे, ये देखिए इस तरह से, और इधर से भी दोनों साइड से हम इसमें पानी लगा देंगे, जिससे ये चिपकाएंगे तो आसानी से चिपक जाएगी। और अब हमने जो मावे का मिक्सचर तैयार किया था वो 1 चम्मच इसके अंदर रखेंगे। अब इसका ऊपरी छोर उठा के हम इस तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए पानी लगाया था इसलिए आसानी से पैक हो गया। और अब इसका दूसरा छोर उठा के भी हम इस तरह से इसको चिपका देंगे। ये देखिए और अब इसका ये वाला छोर उठा के हम इस तरीके से रखेंगे, पानी नहीं लगाएंगे, और इसका ये वाला छोर भी उठा के हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए एक के ऊपर एक। अब इसके ऊपर हम लौंग लगा देंगे, क्योंकि इसका नाम ही लौंग लता है इस मिठाई का, तो लौंग लगाने से इसके ये दोनों किनारे आसानी से चिपक जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। कि अब इसे रख देते हैं हम एक प्लेट में, और इसी तरह से पूरी मिठाई हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी लौंग लता ये मिठाई बना के तैयार कर ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं सारी एक साइज में बनी है, इसीलिए छोटी छोटी लोइयों को हम एक साइज में कट कर लेंगे तो सारी मिठाई का शेप एक जैसे ही आएगा। ये देखिए अब सारी मिठाई बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलेंगे गैस की तरफ। उससे पहले ये ले लेंगे चाशनी। ये देखिए चाशनी बहुत ज्यादा पतली नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से ही हमें चाशनी चाहिए। अब इसमें क्रिस्टल ना पड़े, चाशनी जमे ना, इसलिए हम ले लेंगे आधा नींबू और उसका रस इसमें डालेंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से चाशनी का टेस्ट बढ़ जाता है और इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। ये देखिए नींबू के रस को डाल के इसे मिला दिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं मिठाई को फ्राई करने के लिए गैस की तरफ। तो चलिए कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल भी अच्छे से अब गर्म हो गया है, तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसे डाल के 5 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हम पलटेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये सिक गया है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसे पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये स्वीट और टेस्टी मिठाई फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमें इस मिठाई को फ्राई करके निकालना है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देख सकते हैं ये हमारी मिठाई कितने अच्छे से फ्राई हुई है और लौंग इसमें चिपकी हुई है। हमने जो लौंग लगाई थी वो उसमें फंसी हुई है, निकली नहीं है फ्राई करते समय। तो आप इसी तरह से अच्छे से इसको पैक करेंगे तो तेल में खुलेगी नहीं और बिखरेगी नहीं और अच्छे से फ्राई होगी। तो चलिए इस मिठाई को हम रख देते हैं साइड में और बाकी सारी मिठाइयों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इस मिठाई को हम इस चाशनी के अंदर डालेंगे, एक एक करके इसमें डालेंगे और इसके ऊपर से इसे चाशनी में अच्छे से डिप कर लेंगे दोनों तरफ से उलट पलट के, और इसे 5 मिनट के लिए हम चाशनी में इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये स्वीट और जूसी जूसी मिठाई बन के तैयार है। आप भी इस मिठाई को एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से इसकी परत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से एक बार आप इस मिठाई को जरूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।